नमस्कार। भारतीय शेयर बाजार में कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन गिरावट देखने को मिली है। दरअसल अमेरिकी बाजार में भी गिरावट रहे, जिसके कारण भारतीय शेयर बाजार में भी उसका असर दिखा और विदेशी निवेशकों ने जमकर बिकवाली की, जिसका नतीजा ये हुआ कि शुक्रवार 1 जुलाई 2022 को सेंसेक्स में 111 अंकों की गिरावट और निफ्टी में 28.20 अंकों की गिरावट आई। वहीं पूरी दुनिया में मंदी की आहट है। कई कंपनियां अपने कर्मचारियों की छटनी भी कर रही हैं, साथ ही शेयर बाजार में भी गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में निवेशकों के मन में ये भी सवाल होगा कि आखिर ऐसे वक्त में निवेश कहाँ किया जाए। तो आज हम आपको कुछ सुरक्षित निवेश के बारे में बताने जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। बैंक FD, बैंक सावधि जमा है यानी FD। बैंक FD को भारत में सबसे सुरक्षित निवेश विकल्पों में एक माना जाता है, क्योंकि FD पर किसी बैंक द्वारा डिफाल्टर करने के शायद ही कोई घटना घटा। बैंक FD नियमित बचत बैंक खाते की तुलना में बहुत अधिक ब्याज प्रदान करते हैं। 5 साल की टैक्स सेविंग FD में निवेश इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80C के तहत कवर होता है। इसमें निवेश करके निवेशक सालाना 15 लाख रुपए तक की कटौती कर सकते हैं। बैंक जमा के मुख्य विशेषताएं हैं कि आपको समय के साथ सुनिश्चित रिटर्न मिलता है, जोखिम से बचने वाले निवेशकों के लिए सबसे उपयुक्त है, और आंशिक निकासी और शेष राशि पर ऋण उपलब्ध है। दूसरा है PPF यानी सार्वजनिक भविष्य निधि। PPF एक सरकार समर्थित निवेश योजना है। PPF निवेश में 15 साल की लॉक इन अवधि होती है। PPF को सबसे सुरक्षित निवेशकों में एक माना जाता है, क्योंकि इस योजना के लिए सॉवरेन गारंटी देता है। बैंक FD की तरह PPF नियमित बचत बैंक के खाते की तुलना में बहुत अधिक ब्याज प्रदान करता है। PPF की मुख्य विशेषताएं ये हैं कि लंबी अवधि के वित्तीय लक्ष्यों के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि यह योजना 15 साल की विस्तारित लॉक इन अवधि के साथ आती है। निवेश बाजारों से जुड़ा नहीं है और इसलिए समय के साथ सुनिश्चित रिटर्न प्रदान करता है। परिपक्वता पर आपके पास पूरे कोष को भुनाने या खाते को 5 साल के ब्लॉक में बढ़ाने के विकल्प होता है। अगला होता है NPS, राष्ट्रीय पेंशन योजना, नेशनल पेंशन योजना स्कीम। NPS एक और सरकार समर्थित सेवानिवृत्त योजना है। इस योजना के प्रबंधन पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA द्वारा किया जाता है। NPS लिक्विड फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट और कॉरपोरेट बॉन्ड जैसे विभिन्न निवेशकों का एक संयोजन है। NPS के तहत क्या योजनाएँ हैं, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार चुन सकते हैं। विभिन्न फंडों में ब्याज के दर भी अलग अलग है। NPS के मुख्य विशेषताएं हैं कि यह योजना सभी क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के सदस्यता के लिए खुली है। यह योजना आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत प्रति वर्ष 2 लाख रुपए तक की टैक्स छूट प्रदान करती है। चौथा हो गया आपका गोल्ड यानी सोना। सोने की निवेश एक पारंपरिक निवेश है। भारतीयों को सोना खरीदना काफ़ी पसंद होता है। सोने के आभूषण और सिक्के खरीदने के रूप में सोने का निवेश किया जाता है। भौतिक सोना रखने के अलावा गोल्ड ETF और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के निवेश करके सोने में निवेश किया जा सकता है।